हाय, दिस इज विवेक गुप्ता। और कस्तूरबा ग्रुप ने भी अपनी फीस लॉन्च कर दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक जनरिक यूनिवर्सिटी भी है, तो वह बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। और हमने ये प्रोस्पेक्टस 2024 ढूंढा है, जिसमें KMC मणिपाल MBBS की फीस एग्जैक्टली सेम जो लास्ट ईयर थी। देखिए, उनकी फीस 17,80,000 रुपये हो गई थी, पर वो 4 साल की फीस ले रहे हैं। सो टोटल मिला के 70-88 पड़ता है, और हॉस्टल भी बहुत रिजनेबल ही है। मतलब सब मिला मिला के अपना काम 80 लाख में हो जाता है। ये हो गया मणिपाल। और इसी मणिपाल में फिर आगे हम बैंगलोर कैंपस, सेम एग्जैक्टली सेम फीस। और जो मणिपाल टाटा है, उसकी फीस तो इससे भी कम है, बिना हॉस्टल के 65 लाख, और हॉस्टल मिला के 75 लाख। तो ये तीनों फीस हो गई MBBS की। इसके अलावा जो डेंटल कॉलेज है, जिसमें 4 साल की फीस जाती है, तो रफली स्पीकिंग बिना हॉस्टल के 22 लाख है मणिपाल डेंटल कॉलेज, और हॉस्टल मिला के आप मान सकते हैं कि 30 लाख के आसपास जाएगा। देखिए, डेंटल में दे आर द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया, तो फीस हायर साइड पे है। और टू डेंटल तो आप जानते हैं कि 11-12 लाख में भी आपको पूरा पैकेज मिल जाता है। बट हाँ, अगर मणिपाल, दोनों जो मणिपाल कैंपस में है, मणिपाल और मैंगलोर, सेम फीस है। एक्चुअली मैंगलोर में थोड़ी सी कम है, या 1970 है बिना विदाउट हॉस्टल के। और जैसा हमने अभी देखा कि मणिपाल कैंपस में 22 लाख थी। जमशेदपुर में इस समय भी डेंटल कॉलेज नहीं चलता है, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर पैरा मेडिकल मेडिकल के कराए जाते हैं, तो सबका फीस स्ट्रक्चर लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है। MD भी होती है, हर तरह का कोर्स होता है, BTech होता है यहाँ पर। BTech का क्या फीस स्ट्रक्चर है, हम जानते हैं कि मणिपाल इज ऑल्सो अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर कई तरह के कोर्स होते हैं। डिजाइनिंग, नॉर्मल फैशन डिजाइनिंग सेक्टर भी पढ़ाया जाता है, पर हमारे मतलब क्या वो था खासकर, जो MBBS है, सेम फीस। और यही देखिए, शायद जिसे हम कहते हैं कि फेलासी है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस है, वो फीस भी कम ले रहे हैं, और जो एवरेज मेडिकल कॉलेज है, वो 25-25 लाख रुपये, 26-26 लाख रुपये, 24-24 लाख रुपये साल की फीस लेते हैं। अब यही ट्रेजेडी है। तो भाई, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनको फायदा है। और ये MBBS में ना रिवर्स स्ट्रेटेजी, मैं हमेशा कहता हूँ रिवर्स है, कि MBBS में जो मेरिटोरियस बच्चा है, उसको डेफिनेटली पहले सरकारी सीट मिलती है, और सरकारी ना भी मिल पाए तो दे गेट द बेस्ट मेडिकल कॉलेज एट द लोएस्ट फीस। विज़ाविज़ बाकी सब कोर्सेज में क्या होता है कि अगर आप BTech की बात करें, फैशन डिजाइनिंग की बात करें, तो आपको फिर भी अच्छी खासी फीस आजकल बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में भी देनी पड़ रही है, और कई प्राइवेट कॉलेज उससे सस्ते होते हैं। बट यहाँ पर ये है कि बच्चे के नंबर कम आए तो उसको महंगा भी कॉलेज लेना पड़ेगा, क्वालिटी में भी एवरेज लेना पड़ेगा, दोनों पाप होंगे। और आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको सरकारी कॉलेज या बेस्ट पॉसिबल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, जहाँ पर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और फीस भी आपकी रीजनेबल है। मतलब कि जो हमने अभी देखा, कि अगर आपका 80 लाख में भी हॉस्टल काम हो रहा है, तो कोई बुरी बात नहीं। और वो भी मैंने आपको पहले वीडियो बनाया था कि मणिपाल के तीनों कैंपसेस में आपके पास सुविधा उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने की, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो वो वाला वीडियो भी आप चैनल पर ढूंढ सकते हैं, रिसेंट में आपको मिल जाएगा। और इसी तरह की जानकारी, सटीक जानकारी आपको चाहिए, यू नो व्हाट टू डू, कॉन्टैक्ट अस, कॉल अस ऑन 9643362320। और आप जानते ही हैं कि वी डोंट टॉक टू एनीबडी फ्री ऑफ चार्ज, ये हमारा देखिए प्रोफेशन है। और 2,500 रुपये हम लेंगे अगर आप फ़ोन कॉल पे आना चाहते हैं, 5,000 रुपये अगर आप मिल के या जूम पे आना चाहते हैं, मतलब वीडियो कॉल। रीज़न ये रहता है कि देखिए, फ़ोन कॉल हमेशा 15-20-25 मिनट में ख़त्म हो जाती है, और जूम कॉल अक्सर 1 घंटा जाती है, तो उसके हिसाब से हमने फीस डिफरेंट रखी हुई है। और यही फीस एडजस्ट होती है जब हमारा पूरा पैकेज लेते हैं, जो कि 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक चलता है। उस पैकेज का जो लॉजिक है, उसका एक वीडियो है, जो कि उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लस हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9643362320। और इस वीडियो का सार ये था कि मणिपाल के तीनों कैंपसेस आज भी इंडिया के सबसे रीजनेबल कैंपसेस हैं, और तीनों में ही एडमिशन के लिए आपके मार्क्स मिनिमम 500 से ऊपर तो होने ही चाहिए, और फॉर जनरल सीट और NRI तीनों जगह अवेलेबल होती है। और टाटा मणिपाल में जमशेदपुर का, झारखंड का कोटा भी होता है, जिसकी सीटें आपको झारखंड काउंसलिंग से मिलती हैं। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस फॉर अपकमिंग नीट 2024।